दोस्तों ये जो 30,000 रुपए के लैपटॉप्स होते हैं ना, दिस इज अ वेरी ट्रिकी सिचुएशन। आप सोचते होंगे कि यार 25,000 का 20,000 का अच्छे टैबलेट आ जाते हैं तो मैं वो ले लूंगा, लेकिन एक बात कहूं, टैबलेट में आप कुछ चीजें अच्छी कर सकते हो, बट बहुत सारी चीजें जो लैपटॉप में आप कर सकते हो वो टैबलेट्स में नहीं कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अच्छा कीबोर्ड, आई मीन यू हैव टू बाय एन एक्सटर्नल कीबोर्ड, और फिर वो भी यू नो इट इज नॉट एग्जैक्टली, वो जो पेयरिंग वगैरह होता है इतना अच्छा नहीं होता है टैबलेट्स के साथ। और इसीलिए अभी भी बहुत सारे लोग प्रीफर करते हैं कि 25-30 हज़ार की प्राइस रेंज में अच्छे लैपटॉप्स। अब मैंने इसे ट्रिकी क्यों कहा, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, बट ये वीडियो देखने के बाद आपको कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं आपके लिए लेके आऊं सबसे अच्छे लैपटॉप्स 30,000 के नीचे, एंड दे आर ऑल राउंड लैपटॉप्स। फॉर एग्जांपल, मिनिमम जो हमारा बेंचमार्क है, क्राइटेरिया है, वो है कि कम से कम i3 11th generation का प्रोसेसर होना चाहिए। सो परफॉर्मेंस के लिए यू शुड नॉट हैव प्रॉब्लम्स अगर i3 11th generation है तो। कम से कम 8GB रैम होनी चाहिए और SSD होनी चाहिए। देखिए, आजकल HDD जो है ना, उसकी वजह से रीड राइट स्पीड्स बहुत कम हो जाते हैं। SSD जब होंगे, आपके जो सॉफ्टवेयर्स हैं विंडोज के ऊपर, वो बहुत जल्दी लोड होंगे, एंड दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब आप बजट लैपटॉप्स लेते हो तो सबसे बड़ा जो आप कंप्लेन करते हो वो है कि स्लो है मेरा लैपटॉप। SSD की वजह से बहुत डिफरेंस पड़ता है। और हाँ, फुल HD स्क्रीन होनी चाहिए। HD नहीं चलेगी, फुल HD स्क्रीन होनी चाहिए, या तो 14 इंच आपको पोर्टेबल चाहिए, बड़ी स्क्रीन चाहिए तो 15.6 इंच, एंड वेबकैम हैज बिकम वेरी इंपॉर्टेंट, तो कम से कम 720p वेबकैम होना चाहिए। ये मिनिमम बेंचमार्क्स है अंडर 30,000 के लैपटॉप्स के लिए। अब दोस्तों, और एक चीज मैं बता दूं, जो भी लैपटॉप्स मैं बता रहा हूं वो 31-32,000 इस प्राइस रेंज में, बट हमेशा ऑफर्स होते हैं एंड जो इफेक्टिव प्राइस होती है वो 30,000 के नीचे होती है, तो उस हिसाब से हमने बताए हुए। वैसे 5 लैपटॉप्स बताने वाला हूं, एंड पहले 5th नंबर का एंड सबसे बाद में 1st नंबर का। वैसे दोस्तों, ये वीडियो अच्छा लगता है, कुछ फायदा होता है आपको इससे, लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं है वो कर दीजिए। Lenovo IdeaPad Slim, ये एक तो स्लिम लैपटॉप है, नाम में ही स्लिम है। हाँ, 8GB रैम, 256GB की SSD मिलती है, 11th generation का i3 प्रोसेसर आता है, तो वो सब चीजें हैं, एंड विंडोज 11। बाय द वे, बेंचमार्क में विंडोज 11 आउट ऑफ द बॉक्स मिलना चाहिए, DOS वगैरह नहीं चलेगा। इसकी प्राइस जनरली 32-33 होती है, बट ऑफर्स के साथ ये डेफिनेटली 30,000 के नीचे आता है। एंड जो भी लैपटॉप्स बता रहा हूं दोस्तों, उसके भी लिंक्स मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए, गो एंड चेक दैट आउट। अब दोस्तों, आपको बड़ी स्क्रीन चाहिए, स्टोरेज भी ज्यादा चाहिए, देन यू शुड लुक एट Acer Extensa 15, 15.6 इंच की फुल HD स्क्रीन है, TFT स्क्रीन है, 512GB SSD इसमें आता है। जनरली इस प्राइस रेंज में अगेन आपको 256GB स्टोरेज मिलता है, जो SSD है इसमें आपको 512GB मिलती है, वो है। बाकी सब तो सेम है दोस्तों, इंटेल आयरिस XE ग्राफिक्स कार्ड मिलता है, i3 11th जनरेशन का प्रोसेसर है, 31999 इसकी प्राइस है, 1.7 kg है दोस्तों, बट 30,000 के नीचे ऑफर्स में मिल जाता है। ये पर्सनली मैंने इस्तेमाल किया हुआ लैपटॉप है दोस्तों, Asus VivoBook 15, एंड आई टेल यू व्हाट, इट इज रियली वैल्यू फॉर मनी। इसका डिस्प्ले अच्छा है, 15.6 इंच का FHD डिस्प्ले है, 8GB रैम एंड 512GB SSD मिलती है, सो दैट इज ऑल्सो ग्रेट। 11th जनरेशन का i3 प्रोसेसर है। इसमें हाईलाइट ये है कि एक ही लैपटॉप है इन पांचों में से जिसमें फिंगरप्रिंट सेंसर आता है। जनरली 40-50-60 हज़ार के होते हैं, उनमें फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है, इसमें आपको 30,000 के नीचे मिल रहा है। विंडोज 11 होम है एंड USB टाइप सी एक पोर्ट मिलता है, 34-35 इसकी प्राइस है, बट 30,000 तक आपको ऑफर्स में मिल जाएगा, एंड दिस कम्स एट नंबर 3। अब दोस्तों, ये जो है ये इसेंशियली ट्रेडिशनल लैपटॉप ब्रांड नहीं है। जी हाँ, इन्फिनिक्स ने रिसेंटली उनके लैपटॉप लॉन्च करने चालू किए, और उनके लैपटॉप जो होते हैं वैल्यू फॉर मनी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इन्फिनिक्स इनबुक X2 प्लस, ये 29999 प्राइस है इसकी, एंड ऑफर्स के साथ ही उससे भी कम में मिलता है, 26-27,000। तो बजट आपका बहुत ही टाइट है तो डेफिनेटली आपने देखना चाहिए, क्योंकि ये वैल्यू फॉर मनी है। 8GB रैम, 256GB स्टोरेज है, SSD, 15.6 इंच की FHD स्क्रीन है, एंड 2 Type-C पोर्ट्स आते हैं। बिल्ड क्वालिटी में भी ये मेटल बिल्ड है, सो सभी चीजों के पास देखोगे, एंड मेटल बिल्ड होने के बावजूद इट इज 1.58 kg। बाकी सब लैपटॉप 1.7-1.8 kg के होते हैं, दिस इज 1.58 kg, एंड फॉर दैट प्राइस आई थिंक डेफिनेटली ये नंबर 2 पे आता है। आई विल टेल यू व्हाट, यू विल नॉट गो रॉन्ग विद इट। द ओनली थिंग इज, ब्रांड नया है लैपटॉप में, उतना याद रखिए। आपको इन्फिनिक्स इनबुक X2 प्लस में फुल HD वेबकैम मिलता है, 1080p। एंड फाइनली नंबर 1 पे, आपको अगर एक लाइट वेट, पोर्टेबल येट वेरी वेरी टफ लैपटॉप चाहिए तो आपने MSI मॉडर्न 14 के पास देखना चाहिए। एब्सोल्युटली वेल बिल्ट, वन ऑफ द बेस्ट बिल्ट लैपटॉप, एंड वो भी पोर्टेबल है। 14 इंच की फुल HD स्क्रीन है, IPS डिस्प्ले, सो विच इज गुड। 8GB रैम, 512GB स्टोरेज है, i3 11th जनरेशन का आता है। बिल्ड क्वालिटी मिलिट्री स्टैंडर्ड सर्टिफाइड है, सो दैट इज गुड। USB टाइप सी पोर्ट आता है, बैकलिट कीबोर्ड आता है, सो दैट इज अनदर हाईलाइट ऑन दिस, एंड ओनली 1.4 kg। बाकी सब 1.5 kg के ऊपर है, दिस वन इज 1.4 kg, एंड विंडोज 11 होम वगैरह आता है। 34,990 इसकी प्राइस है, बट ऑफर्स में आपको 30,000 के अराउंड ये मिल जाता है, एंड डेफिनेटली सब चीजों के पास आप देखोगे तो मैं डेफिनेटली कहूंगा कि MSI मॉडर्न 14 जो है हमारी लिस्ट में आता है नंबर 1 पे।
वैसे दोस्तों मैंने बहुत सारे अच्छे लैपटॉप जो है वो व्यू प्रोडक्ट्स में टैग किए हुए हैं, गो एंड चेक दैट आउट एज वेल। वैसे अगर मैं आपसे पूछूं आपको अगर लेना है तो आप लैपटॉप लोगे या टैबलेट, नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा, बिकॉज इसका कंपैरिजन मैं लाने वाला हूं बहुत जल्दी। सो प्लीज आई वांट टू नो इट फ्रॉम। चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो तक कीप ट्रैकिंग एंड स्टे सेफ।